नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। देश की पहली महिला राज्यपाल और भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू का आज जन्मदिन है। इस दिन को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू ने एक कार्यकर्ता, प्रसिद्ध कवि और गीतकार के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। ये देश की वो महिला है जिन्होंने भारत को आजादी दिलाने के लिए कड़ा संघर्ष किया था। पेश है रिपोर्ट। देश की पहली महिला राज्यपाल और भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू का आज जन्मदिन है। इस दिन को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू ने कार्यकर्ता, प्रसिद्ध कवि और गीतकार के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। महज 12 साल की उम्र से ही अपने करियर की शुरुआत करने वाली प्रसिद्ध लेखकों में से एक सरोजिनी नायडू ने देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपना परचम लहराया। 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में जन्मी सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने छोटी सी उम्र से ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। तो आइए आपको हम बताते हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ अहम बातें। 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी सरोजिनी एक होनहार छात्रा थी। उन्होंने महज 12 साल से ही साहित्य में अपना करियर बनाना शुरू कर दिया था। उन्हें माहिर मुनीर नामक एक नाटक लिखने के बाद से पहचान मिलने लगी। जब वह 16 साल की हुई तो उन्हें हैदराबाद के निजाम से छात्रवृत्ति मिली और वो लंदन के किंग्स कॉलेज में पढ़ने चली गई। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ने के साथ साथ उन्होंने हर जगह जाकर देश की महिलाओं को भी आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और देश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, लेकिन वो इस पद से नाखुश थी। वो इस पद को एक तरह की कैद समझती थी। उन्होंने इस पद को ग्रहण करने के बाद ये भी कह डाला था कि मैं अपने को कैद कर दिए गए जंगल के पक्षी की तरह अनुभव कर रही हूँ। सरोजिनी नायडू की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एनी बेसेंट से गहरी दोस्ती थी। यही नहीं, वे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी प्रिय शिष्या थी। इन दोनों से वो इतनी ज्यादा प्रभावित थी कि उन्होंने अपना सारा जीवन देश के लिए ही अर्पण कर दिया। वे इन दोनों के अलावा तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी मित्र थी और यही कारण है कि उन्होंने नेहरू की इच्छा से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पद संभाला था। महज 13 साल की उम्र में उन्होंने लेडी ऑफ द लेक नामक कविता लिखी। गोल्डन थ्रेशोल्ड उनका पहली कविता संग्रह था। उनके दूसरे और तीसरे कविता संग्रह वर्ड ऑफ टाइम और ब्रोकन विंग ने उन्हें एक सुप्रसिद्ध कवित्री की पहचान दे दी थी। सरोजिनी नायडू को हिंदी के अलावा अंग्रेजी, बंगला और गुजराती भाषा आती थी। वो अपने भाषण भी इन्हीं भाषाओं के आधार पर देती थी। जब लंदन की एक सभा को संबोधित करना था तब सरोजिनी ने अंग्रेजी में बोलकर वहां उपस्थित सभी लोगों का दिल जीत दिया था। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप अपना रखें ख्याल। नमस्कार।